आज हम पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिलामेंट्स एक्टिन से बना हुआ होता है। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ पे होता है। तो सेल के अंदर जहाँ पे उसका कॉर्टिकल रीजन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, तो ऐसा रीजन जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रीजन या फिर कॉर्टेक्स रीजन। तो सेल का जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ पे हम देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और एक्टिन फिलामेंट्स। इसका दूसरा लोकेशन है जो इंटेस्टाइन के अंदर विली होती है, तो उस विली के अंदर कुछ उससे भी छोटी छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविली, जो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए काम आती है। तो ये फूड एब्जॉर्प्शन के लिए जो फंक्शन करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स भी एक्टिन फिलामेंट्स से बनते हैं। सो एक्टिन फिलामेंट्स वहाँ पे भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोविली। तो इसका सेकंड लोकेशन जो है वो है माइक्रोविली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड जो लोकेशन है वो है कि जो भी सेल्स अमीबॉइड या फिर साइक्लोसिस मूवमेंट करता है। अब अमीबॉइड मूवमेंट क्या है, आपने देखा होगा अमीबा का स्ट्रक्चर। अमीबा में एक अनोखा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं सुडोपोडिया, जिससे वो सेल अपना लोकोमोशन करता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी वजह से वो सेल मूवमेंट करता है इसको हम बोलते हैं सुडोपोडिया, और जो मूवमेंट्स होती है उसको हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। तो ये अमीबॉइड मूवमेंट की जो वजह है वो है एक्टिन फिलामेंट्स। फिर प्लांट सेल्स के अंदर भी ऐसी कुछ मूवमेंट्स होती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस और अमीबॉइड मूवमेंट जहाँ पे भी होती है जो भी सेल्स में, वहाँ पे एक्टिन फिलामेंट होता है। फिर होता है मसल सेल के अंदर। आपको पता होगा मसल सेल जो है, कोई भी स्ट्राइटेड मसल जो है वो बना हुआ होता है दो प्रोटीन से, एक है एक्टिन दूसरा है मायोसिन। तो ये एक्टिन मायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, तो एक्टिन फिलामेंट वहाँ पे भी होता है। अब देखते हैं कि ये एक्टिन फिलामेंट कैसे बनता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक्टिन कैसे बनता है, कैसे उसको तोड़ा जाता है और कैसे वो सेल का स्ट्रक्चर बनाए रखता है। तो आप ये एनिमेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्टिन प्रोटीन्स है, वो एक फिलामेंट पूरा का पूरा फिलामेंट बना रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्टिन ट्रेडमिलिंग। और इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो उसको तोड़ने में काम करते हैं। तो एक है प्रोफिलिन, दूसरा है कोफिलिन, और एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिन। तो ये प्रोफिलिन जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स बनाए नहीं देता, और कोफिलिन जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स जो बना हुआ होता है उसको तोड़ने में काम आता है। तो ऐसे होता है एक्टिन का पॉलीमराइजेशन, मतलब फिलामेंट का बनना, और एक्टिन का डीपॉलीमराइजेशन, जिसका मतलब है एक्टिन फिलामेंट को तोड़ना। तो ये जो एक्टिन पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्टिन डायनामिक्स।
सबसे पहले इसमें बनता है न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर में होते हैं तीन एक्टिन, तो जो एक्टिन फ्री फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म में उसको हम बोलते हैं जी एक्टिन, और जब भी वो जुड़ जाते हैं फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं तब उसको बोलते हैं एफ एक्टिन। तो न्यूक्लियस का होता है पॉलीमराइजेशन, जिस एंड पर पॉलीमराइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्लस एंड, जिस एंड में डीपॉलीमराइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं माइनस एंड। प्लस एंड को हम बोलते हैं पॉइंटेड एंड, और माइनस एंड जो है उसको हम ब्लंट एंड भी बोलते हैं। इस दौरान एटीपी का होता है हाइड्रोलाइसिस, एडीपी और पीए में कन्वर्ट होता है और एडीपी जुड़ जाता है एक्टिन के साथ, तो एक फिलामेंट बनता है। फिलामेंट के दौरान अगर हमको प्लस एंड या माइनस एंड पे किसी भी एक्टिन को जोड़ना नहीं है या फिर वहाँ पे जो एक्टिन जुड़ा हुआ है उसको रिमूव नहीं करने देना है, तो उस दौरान एक प्रोटीन वहाँ पे आके अटैच हो जाता है और उस प्रोटीन को बोलते हैं कैपिंग प्रोटीन। तो एक्टिन फिलामेंट ऐसे पॉलीमराइज होता है। अगर एक्टिन फिलामेंट को बीच में से काटना है, बीच में से काटने के प्रोसेस को बोलते हैं सेवरिंग। तो सेवरिंग करने के लिए जो प्रोटीन होते हैं, जो एक्सेसरी प्रोटीन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसका नाम है कोफिलिन। प्रोफिलिन क्या करता है? प्रोफिलिन न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही नहीं बनने देता। सो प्रोफिलिन इनहिबिट्स न्यूक्लिएशन, कोफिलिन परफॉर्म्स सिवरिंग। तो ये दो एक्सेसरी प्रोटीन्स है जो एक्टिन डायनामिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हुआ एक्टिन डायनामिक्स का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो क्या फंक्शन होता है? छह मेन फंक्शन है एक्टिन फिलामेंट्स के। पहला जो फंक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्टिन फिलामेंट का, वो है जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम वो एक फरो बनाता है, एक क्लीवेज बनाता है। अब ये क्लीवेज क्या है? जब भी दो सेल डिवाइड होते हैं उस दौरान बीच में एक पार्टीशन होता है। ये जो पार्टीशन बनता है, ये जो एक स्पेस बनता है, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज फरो। इस क्लीवेज फरो से ही दो सेल डिवाइड होते हैं। तो ये क्लीवेज फरो बनाने के लिए कौन सा फिलामेंट हेल्प करता है? एक्टिन फिलामेंट। दूसरा फंक्शन है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस होता है प्लांट्स में, इसकी हमने अभी बात की। साइक्लोसिस में वैक्यूल के सराउंडिंग में जो फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के लिए एक्टिन फिलामेंट हेल्प करता है। देन आफ्टर सेल माइग्रेशन, जब भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान सेल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता है, मूवमेंट करना होता है। तो उस मूवमेंट में ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो सेल को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो तीसरा फंक्शन हुआ एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान सेल मूवमेंट। देन आफ्टर अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट की अभी हमने बात की कि अमीबॉइड मूवमेंट में जो स्लोपोडिया बनता है वो कैसे बनता है? एक्टिन फिलामेंट बनाता है। तो आप देख सकते हैं फिगर में। देन आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट दोनों कोलेबोरेशन में काम करते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्टैटिक फिलामेंट होता है, उस वो जो फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के साथ काम करता है, और एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट होते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और एक रोल है सेल का स्ट्रक्चर और सेल का शेप मेंटेन करने के लिए। तो ये जो छह फंक्शन है वो है एक्टिन फिलामेंट्स के। अब अगर एक्टिन फिलामेंट्स को काम करने से रोकना है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कैंसर के दौरान सेल डिवाइड करते रहते करते ही रहते, तो हमको उस टाइम एक्टिन एक्टिन का फंक्शन को स्टॉप करना होता है। सो देर आर सम फंक्शन इनहिबिटर्स, उसमें से एक है साइटोकैलासिन बी। तो साइटोकैलासिन बी एक्टिन के फंक्शन को रोकता है। इट इज नोन एज फंक्शन इनहिबिटर।